तो साथियों नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर। साथियों ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड की यह 15वीं टेस्ट सीरीज है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैं कह रहा था कि इसमें कुल 150 प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज है और यह शुद्ध रूप से हिस्ट्री की है। हिस्ट्री की बोले तो साथियों इसमें हिस्ट्री के आपको एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल आपको मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट मैं इसको वीडियो बना दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पहले देख लीजिएगा। इधर हम 2-4 दिन जो है आप लोगों की डिमांड पर पुलिस के लिए कुछ पढ़ाने लगा था यूपी स्पेशल से संबंधित, तो अब लगभग अब वो पूरा हो गया है। तो हम लोग अब ये फिर से शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज साथियों इसका पहला पार्ट मैं जो बता रहा था, ये 15वीं टेस्ट सीरीज का ये पहला पार्ट हमने डाल दिया है। आधा क्वेश्चन हो गया है, 75-76 क्वेश्चन, जिसमें एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ सवाल है। तो आपके मेडिवल वाला ये जो पोर्शन बचा था आधा, यानी आपके लगभग 75 क्वेश्चन बचे हैं वो मेडिवल से संबंधित है और कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वहां पर आपको सवाल मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मैंने वहां पर रोक दिया था क्योंकि मैं हर एक चीजों को जो है एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ एकदम अच्छे से, क्योंकि हमारे प्रश्न पढ़कर उत्तर बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा साथियों, जब तक कि हम उसके की पॉइंट को अगर न बताएंगे, उसमें जो एकदम कोर चीजें हैं जब तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे वो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं होगा हमारे एक्सप्लेनेशन का। तो साथियों मेडिवल से संबंधित प्रश्न होगा, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न होगा, बहुत लाजवाब प्रश्न होगा साथियों, जो भी घटनाएं घटी है उससे जोड़कर जो नए प्रश्न आ, क्योंकि आजकल ना जो जीएस के प्रश्न बन रहे हैं वो करंट अफेयर की चीजें, करंट डायरेक्ट तो आपको देखने में नहीं लगेगा लेकिन वो करंट से ही जोड़कर बनाया जाता है। ये प्रश्न पूछने का एक नया तरीका प्रचलन में है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, जीएस वर्ल्ड की एक टेस्ट सीरीज है, बहुत बेहतरीन, बहुत विश्वसनीय संस्था है। तो साथियों शुद्ध रूप से यह हिस्ट्री का है। आप लोग, ये हमारा निजी चैनल अपना है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, रोज के एक एक नई नई टेस्ट सीरीज आएगा। आज जैसे ही ये मेडिवल की खत्म होगा साथियों, इसके बाद हम लोग 150 प्रश्नों की जीएस वर्ल्ड की यह 16वीं टेस्ट सीरीज लाएंगे जो शुद्ध रूप से मॉडर्न इंडिया से संबंधित होगी, यानी आधुनिक भारत से संबंधित होगा। इसके बाद जो है शुद्ध रूप से पॉलिटी का होगा हमारा 150 प्रश्नों की, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का होगा 150 प्रश्नों की। ऐसे ऐसी पूरी सीरीज हम लोग ये चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं। उसके बाद अन्य संस्थाओं की जैसे दृष्टि आईएएस या फिर अन्य संस्थाओं की हम लोग जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे ऐसी विश्वसनीय और बेहतरीन चीजों का। तो चले हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, आधा देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 तक हो गया था तो हम लोग 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है साथियों, क्या पूछ रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं मध्यकाल में, कब मध्यकाल में आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध रहा कालिंजर का किला, आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा कौन सा किला, कालिंजर का किला। ये कालिंजर का किला कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो साथियों मैं आपके बता दूं, ये कालिंजर का किला जो पूछ रहे हैं, ये कालिंजर का किला जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, तो विकल्प नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये बात आती है साथियों, ये बनवाया किसने था, ये जो बना है तो कालिंजर का किला ये चंदेलों ने बनवाया था साथियों, कौन, चंदेलों ने। तो कालिंजर का किला किसने बनवाया था, चंदेलों ने बनवाया था, चंदेलों की एक बहुत बेहतरीन वास्तुकला थी ये, तो जो ये बना है कालिंजर का किला, बहुत अच्छा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 78 में क्या कर रहा है साथियों, देखते हैं हम लोग 78 में। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, आपको थोड़ा सा कठिन, जिस तरीके से एकदम वेल बैलेंस टेस्ट सीरीज होती है साथियों हमारी जो भी हम लाते हैं जिस भी संस्था की, क्योंकि ये जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूपी पीसीएस सिलेबस को रिलेट करके, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें सरल, कठिन, बहुत सरल, बहुत कठिन, हर टाइप के सवाल को मिक्स किया गया है। तो आप कुछ सवाल एकाग देखकर भयभीत न होइएगा। क्या करा इसमें, दिल्ली और जयपुर के साथ, दिल्ली और जयपुर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन त्रिकोण पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है। तो यानी तीन शहर हैं साथियों, गोल्डन ट्रायंगल है जो, गोल्डन त्रिकोण है, इसमें तीन शहरों के मिलन से है ये। तो इसमें कह रहा है दो दे दिया है दिल्ली जयपुर, कह रहा है तीसरा अगला कौन है, ये त्रिकोण बनाने के लिए अगला कौन है यहाँ पर। तो साथियों आगरा है, विकल्प नंबर सी होगा
उत्तर प्रदेश का आगरा, यानी ये दिल्ली आपका जो हो जाएगा, ये दिल्ली जयपुर आगरा ये मिलाकर ये जो ट्रायंगल जो ये बन रहा है, तो यही है। आगे हम लोग देखते हैं, ये आगरा हो जाएगा हमारा उत्तर। साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। प्रश्न देखने में भारी भरकम है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड है ये प्रश्न। आपके करेंट अफेयर से जोड़कर बनाया गया है। अभी मोदी जी ने असम जिला, असम राज्य के जोराहट में जो है ये जो दिया है, लचित बोरा फुकन, ये एक सैनिक हैं असम के जो कई बार मुगलों से रक्षा किए हैं असम की। तो ये जो है लचित बोरा फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं मोदी जी असम के जोराहट में। तो उसी से संबंधित ये सवाल पूछ लिया है। ऐसे ही बनते हैं सवाल आपके जीएस में, जो करंट अफेयर तो नहीं रहते हैं लेकिन करंट अफेयर से जोड़कर बनाया जाता है। तो साथियों उसी से संबंधित दो कथन दिया है, लचित बोरा फुकन से संबंधित थे और करा है। इन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। आप देखें कितना अच्छा सवाल है ये। पहला कह रहा है कि वे मतलब कौन, लचित बोरा फुकन 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे जिनसे 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। तो साथियों ये बात सरासर गलत है। अहोम साम्राज्य के संस्थापक लचित बोरा फुकन नहीं थे। लचित बोरा फुकन तो एकमात्र सैनिक थे जो बहुत अच्छा नेतृत्व किए थे मुगलों की लड़ाई में। तो ये छोलुंग छोलुंग नाम के एक शासक थे, छोलुंग सुकुफा, वो जो है अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये बात गलत हो गई क्योंकि ये लचित बोरा फुकन ने नहीं बल्कि छोलुंग सुकुफा ने अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरा वाले में कह रहा है लचित बोरा फुकन ने सराई घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास को फेल कर दिया। साथियों मैंने पहले बताया ये अलाउद्दीन जो है ये आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित है लेकिन लचित बोरा फुकन ने मुगलों से लोहा लिया था, मुगलों को खदेड़ा था जो है। तो ये भी गलत हो गया, यह दिल्ली सल्तनत से नहीं मुगलों से, एक मुगल के खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़े थे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हो गए, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो डी। बी क्यों नहीं सही है मैंने बता दिया। आगे देखते हैं हम लोग, देखें 80 में आपसे क्या पूछ रहा है। फारसी में लिखी गई पुस्तक फुतूह उस सलातीन जिसे मध्यकालीन भारत का शाहनामा कहा जाता है, तो यह किसकी रचना है। तो साथियों यह जो है अब्दुल मालिक इमासी की रचना है। विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा, 80 का आपका उत्तर हो गया। विकल्प नंबर डी जो है कौन इसकी रचना है, अब्दुल मालिक जो है इसामी। और यहां पर एक दिया है साथियों मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखा है। साथियों आप लोग जानते होंगे तबकात ए नासरी, मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं आप समझ जाइएगा। और यहां पर जियाउद्दीन बरनी ने साथियों आप तो को मालूम है तारीख ए फिरोज शाही लिखे हैं, तारीख ए फिरोज शाही मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं समझ जाइएगा। तो मैं तीनों का बता दिया तो फिलहाल 80 का उत्तर डी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, एक बहुत अच्छा मैचिंग वाला सवाल है जो आपको कह रहा है कि 3 सही हैं 1 सही नहीं है, उसी को पकड़िए जो गलत है। तो यहां पर आप लोग जहां नहीं लिखा रहे वहां पर मार्किंग कर लिया करिए, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत कर देंगे। तो अष्ट प्रधान न मालूम है साथियों आपको, अष्ट प्रधान जो है शिवाजी के मराठा शासन में अष्ट प्रधान होते थे, कि ये कौन होते, जैसे आज मोदी जी के जो मंत्री हैं तो इसी तरह से शिवाजी के भी शासन काल में साथियों 8 विशेष लोगों का एक समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहा था, एक तरह का मंत्री कह सकते हैं, शिवाजी के मंत्री थे तो मराठा शासन में। तो ये अष्ट प्रधान है, इनका काम अलग अलग होता था और उनकी भूमिकाएं होती थी। तो किसका क्या काम होता था, 3 सही हैं 1 गलत है, उसी को मिलाना है 81 वाले में। तो साथियों यहां पर दे दिया पहले अमात्य, अमात्य साथियों यहां पर गलत हो गया। अमात्य महालेखाकार से संबंधित था, धार्मिक कार्यों से संबंधित नहीं था ये। तो ये मामला आपका जो है गलत हो गया, ये अमात्य जो है ये धार्मिक कार्यों से संबंधित था, ये लेखा महालेखाकार संबंधित था, महालेखाकार, तो ये आपका गलत हो गया। तो यही सही है और बाकी सब सही है। सुमंत जो होता था साथियों समारोहों के स्वामी होता था, सर ए नौबत सेनापति होता था और वाकेनाविस जो है खुफिया जानकारी देने का काम करता था।
तो ये सब का काम सही था, यही अमात्य का ये गलत लिख दिया जो मैंने आपको बता दिया, यही सही है। और तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है, अब इन्हीं कथनों दोनों को कथनों को पढ़ लेना है आपको, पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा बस यहाँ पर दिमाग का यूज करना है। तो क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम शैव संत अपार के मार्गदर्शन में शैव धर्म अपना लिया था। जी मेरे भाई, यह महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है यह शैव संत अपार के मार्गदर्शन में आकर वह शैव धर्म को अपना लिया, तो ये बात सही है। दूसरा क्या है, कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशियन द्वितीय पर उनकी विजय पूरम तांबे की प्लेटों में दर्ज है। तो साथियों यह जो है यह गलत हो गया। यह क्यों गलत हुआ, क्योंकि मणि ये जो मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशियन द्वितीय की जीत हो गई थी, तो ये महेंद्र वर्मन हार गया था, तो यहाँ पर ये जो है दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपका उत्तर सी हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा, केवल एक। आगे चले हम लोग 83 में देखते हैं क्या है। सबके सब प्रश्न साथियों मिडिवल से आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। क्या कर रहा है इसमें, कह रहे हैं कि भारत में मध्यकालीन सुल्तानों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, मध्यकालीन सुल्तान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर आप जो है सही उत्तर दे दीजिएगा। तो पहले कथन को अगर आप पढ़ेंगे तो बलबन ने अपने सैन्य बलों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरू किया था, तो साथियों ये बात आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, घोड़ों की दागने की प्रथा जो है, घोड़ों की दागने की प्रथा क्या होती थी, जैसे राजा ने घोड़ा मंगवा लिया और उसके जो कर्मचारी होते थे वो ओरिजिनल घोड़ों को बेचकर एक लोकल घटिया घोड़ा रख देते थे जो युद्ध में फेल हो जाते थे, तो वह सरकार राजा जो है घोड़ों को दाग देता था, हाँ उसको एक तरह का लेबल लग रहा था, हाँ यही ओरिजिनल घोड़े है। तो यह काम अलाउद्दीन का था साथियों, अलाउद्दीन यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो ये जो है बलबन से संबंधित नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जब आप पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सैन्य ढांचों में चेहरे की पहचान का एक चेहरा प्रणाली शुरू किया था, तो यस अलाउद्दीन ने चेहरा प्रणाली शुरू किया था, ये बात सही है चेहरों की पहचान के लिए। और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट विभाग बनाया था, यानी दास विभाग जो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो 83 का हमारा जो उत्तर डी हो जाएगा, 2 और 3 केवल, एक तो गलत हो गया, ये सही नहीं होगा, यही सही है हमारा 2 और 3। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं 84 में साथियों क्या कहा जा रहा है हमसे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है साथियों मिडिवल में, एक से बढ़कर एक है। तो क्या है इसमें, 1761 की हुई पानीपत की लड़ाई में, यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, उसी के संबंध में आपको जो है दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दे दीजिएगा। कौन सा उत्तर देना है आपको, सही उत्तर। तो देखें कैसे देंगे, पहला पढ़ना पड़ेगा आपको, मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ राव के पास था, तो यस मराठों का सेना का नेतृत्व उस समय सदाशिव भाऊ कर रहे थे, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है 84 का। दूसरा क्या है, संख्या में कम होने के बावजूद अफगान शासकों की सेना के पास मराठों की तुलना में बेहतर उपकरण थे, तो साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। अफगान के से जब अफगान सेना थी उस सेना में कम नहीं थी, बल्कि यह मराठा से बहुत अधिक था, तो यह कम की बजाय यहां अधिक लिखना होता तब सही रहता, यहां अफगान शासकों की सेना मराठों से बहुत अधिक थी, तो ये बात गलत हो गई दूसरी। तो आपका केवल एक सही है उत्तर, 84 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसी के बाद मराठों का प्रभुत्व तो समाप्त हो गया, उनकी पेशवागिरी समाप्त हो गई। तो आगे देखते हैं हम लोग 85 में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, कह रहे हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास में संदर्भ में जाबुल, या जिसे हम लोग जमींदार कहते जमींदावर कहते हैं, जाबुल या दूसरी भाषा में लिखा है जमींदावर, यह शब्द में से किससे संबंधित था, यानी जाबुल या जमींदावर शब्द किससे संबंधित था, इन्हीं चारों में से बताना है। तो किससे संबंधित था साथियों, यह पहला आपको दिया है उत्तर पश्चिम भारत के जमींदार, उत्तर पश्चिम भारत के जमींदार, तो ये नहीं था साथियों, ये काबुल जो मतलब अफगानिस्तान के क्षेत्र में था काबुल, ये उससे पड़ोसी क्षेत्रों के कंधार,
मतलब यानी उसके दक्षिणी क्षेत्र, काबुल जो है इस समय आपके कहाँ है, अफगानिस्तान में है, तो उसके दक्षिणी क्षेत्र में जो था, उसके दक्षिण वाले क्षेत्र को मिलाकर उसे जमीन दावर बोला जाता था। तो यही सही है विकल्प नंबर डी आपका, ये जमीन दावर क्या था, काबुल के दक्षिण में पड़ोसी क्षेत्र और कंधार। आगे देख ले हम लोग 86 में, 86 में आपसे क्या पूछ रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा, एक से पढ़कर एक प्रश्न है। अभी तो थोड़ा सा आपको बड़ा ज्यादा लिखा हुआ दे रहा है, अभी आगे ये छोटा ही था, ये वन लाइनर टाइप में सवाल आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ज्यादा लिखने वाला, क्योंकि जो ज्यादा लिखा रहता है उसमें दम भी नहीं होता है, वो केवल आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए देता है। आगे देखिए हम लोग 86 में, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में, काल के दौरान भारत में आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में कुछ कथन दिया है। इन्हीं तीनों कथनों को आप पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा। तो इस युग के दौरान साथियों दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार की मात्रा में गिरावट आई थी। तो साथियों गिरावट नहीं आई थी, ये जब मध्ययुगीन कालीन में जब ये हुआ था, तो जब पश्चिम के साथ व्यापार कम हो गया था, तो चाइना दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में बढ़ोतरी हुआ था, गिरावट नहीं हुआ था। तो ये बात आपकी तो गलत हो गई 86 में, यानी पहला गलत हो गया। तो उसके बाद जो है यानी ए गलत हो सकता है ये, क्योंकि एक इसी में बैठा है, एक गलत हो गया, तो एक जहां होगा आप काट कर उसे हटा दीजिए पहले से। अब आपको क्लियर हो गया, या तो हमारा दो सही उत्तर हो सकता है या तो तीन, तो कौन हो सकता है साथियों, चले हम लोग आगे पढ़ते हैं तब मालूम पड़ जाएगा। सोने और चांदी के सिक्कों को उपयोग और प्रचलन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। तो साथियों इस समय सोने चांदी के सिक्कों का उपयोग उतना नहीं था, वृद्धि कहां से देखी जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो सीधी सी बात ये तीसरा सही होगा, हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि इस अवधि में शहरी केंद्रों में लगातार गिरावट देखी गई। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल तीन सही है, 86 का तीन। आगे देखें हम लोग 87 में, 87 में साथियों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चोलों द्वारा किया गया था। तो किस मंदिर का निर्माण चोल शासकों द्वारा किया गया था, वही आपसे पूछ रहा है, और बताकर तीन मंदिरों का नाम दिया है, पढ़कर आप सही उत्तर दीजिएगा 87 वाले में। तो साथियों यहां पर दिया है पापनाथ मंदिर, ये जो पापनाथ मंदिर है साथियों ये जो है चोलों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, जबकि यह बृहदेश्वर मंदिर जो है और यह एरावत मंदिर दोनों तमिलनाडु में है, तो ये इन दोनों का निर्माण चोल शासकों से संबंधित था, जबकि यह पापनाथ जो मंदिर है साथियों यह जो है चालुक्य शासक थे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पापनाथ मंदिर चालुक्य का, पापनाथ मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है, तो यह चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो पहला का नहीं होगा, दो और तीन सही होगा, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, दो और तीन, बहुत अच्छा, हमारा जो 87 का डी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 88 में, 88 में साथियों क्या कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दीजिए। तो लिंगायत संप्रदाय क्या होते हैं साथियों, ये जो है जो लिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपने गले में एक शिवलिंग, चांदी से बना हुआ एक शिवलिंग भी पहनते हैं, तो वो शिव को मानने वाले होते हैं, तो वही लिंगायत संप्रदाय है। तो पहला क्या कह रहा है साथियों, वे आमतौर पर दाह संस्कार जैसे पारंपरिक अंतिम संस्कार नहीं करते, इसके बजाय वे औपचारिक रूप से मृतक को दफनाते हैं। तो ये भी बात सही है, ये लिंगायत संप्रदाय में ये प्रथा प्रचलित है, यानी वो जलाते नहीं है, उनको मृतक को दफनाते हैं लिंगायत संप्रदाय के लोग। दूसरे में क्या कह रहा है साथियों, दूसरे में कह रहा है कि उनकी मान्यताओं के अनुसार, यानी लिंगायत संप्रदाय के मान्यताओं के अनुसार, जब उनके अनुयायी का निधन हो जाता है, तो वह ऐसा मानते हैं कि जो मरने वाला है वो शिव के साथ मिल गया, वो शिव के पास पहुंच गया, उसका मिलन शिव जी के साथ हो गया, तो और मतलब दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होता और वह शिव के साथ जुड़ गया है, तो ऐसा मानते हैं वो लोग। तो ये दोनों के दोनों बातें सही है लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में, दो, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 89 में, देखें हम साथियों ये नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय हमको मालूम है साथियों, हम लोगों को हमारे यहाँ कुल
आठ शास्त्रीय नृत्य हैं, और जो सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य है साथियों सत्रिया, ये जो है ये सत्रिया नृत्य सबसे अंतिम में जो जोड़ी गई थी, मतलब मान्यता मिली थी शास्त्रीय नृत्य का। तो आठों नृत्यों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, जो है ये सब है, तो यही आठ हैं सब, और सबसे आठवां ये सात्रिया है। तो सात्रिया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था साथियों, सात्रिया नृत्य, तो ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा, शंकर देव के माध्यम से, शंकर देव। बहुत अच्छा है साथियों, उत्तर हम लोगों का हो गया। ये सात्रिया नृत्य जो है साथियों यह असम में प्रचलित हुए, कहाँ है, असम में, असम में यह है। कभी पूछे ये कहाँ की है, तो असम की है, एक शास्त्रीय नृत्य है, आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय भी है शास्त्रीय। तो 90 वाला देखते हैं हम लोग, तो 90 में क्या कह रहे हैं, 90 में कहा जा रहा है कि दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों में से पढ़कर बताइए कौन सा सही है विकल्प में। पहला दिया है, जब दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं अपने निर्वासित से लौटा तो अपने साथ दो प्रख्यात फारसी कलाकारों को लेकर आया। तो साथियों एक बार जब मुगल बादशाह हुमायूं भाग गया था, शेरशाह सूरी का शासन आया था, फिर वो जो दोबारा आया तो अपने साथ दो जो है वो फारसी कलाकारों को भी लाया था। तो इसको याद रखिएगा, फारसी कलाकारों को दो लाया था वो, और दूसरा क्या कह रहा है, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम चरमोत्कर्ष पर थी, यानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, तो आप लोग ये जानते होंगे। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसकी एक और दो दोनों सही हैं, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 90 का ए। बहुत अच्छा, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्या कह रहे हैं कि मराठा राजस्व प्रणाली के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया है, उन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा आप। तो देखें कैसे देंगे आप सही उत्तर, पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम है साथियों, चौथ एक प्रकार का जो टैक्स था जो मराठा शासकों द्वारा वसूला जाता था, एक चौथाई, तो चौथ एक चौथाई था, नाम मात्र का लिया जाने वाला एक टैक्स था, तो ये बात सही है। दूसरा क्या करा है, सरदेश मुखी था साथियों, सरदेश मुखी कितना होता था, 10%, यानी 1/10 वसूला जाता था, तो करारोपण का प्रतिनिधित्व करता था, जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा था। तो ये दोनों बातें सही है, आप लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपको 11th में भी मिला होगा, कई जगह और पढ़े होंगे आप लोग, ये दोनों बातें सही हैं। तो ये वाला बात यहाँ पर गलत है, तीसरा वाला क्यों गलत है साथियों, ये जो दोनों कर थे चौथ और सरदेश मुखी, यह मराठा शासकों द्वारा वसूला जाता था, लेकिन मराठा साम्राज्य के भीतर नहीं वसूला जाता था, उसके बाहर वसूला जाता था। तो ये चीज याद रखिएगा, उसके बाहरी क्षेत्र जो थे वो लोग वहां जाते थे और उनसे वसूलने का लेने का ये जबरदस्ती एक उनका लिया जाता था। तो याद रखिएगा, तीसरा गलत है, जहां तीन होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत ये गलत, तो एक और दो सी केवल सही है, 91 में सी सही है। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, यहाँ आप बहुत सारा फैक्ट सीखेंगे। औरंगजेब के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर आप जो है सही उत्तर दीजिए, जो सही होगा वही दीजिएगा। तो देखें पहला आप जो पढ़ेंगे साथियों, यहाँ कह रहा है झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन का मतलब भी आपको बता रहे हैं, कह रहा है झरोखा दर्शन की प्रथा उसके शासनकाल में, यानी औरंगजेब के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो साथियों ये बात सरासर गलत है, ये झरोखा का मतलब होता है बालकनी, एक तरह का छोटा बरामदा होता है, पुराने समय में जो महल बनाए जाते थे, जो महलों में एक छोटा सा सामने बरामदा टाइप का बनाया जाता था, बालकनी, जहां पर राजा खड़ा होकर अपने दरबार के सामने, घर के सामने आई हुई जनता से बात करता था, उनको संबोधित करता था, तो वही झरोखा दर्शन होता था उसी को, यानी एक तरह की बालकनी छोटी सी होती थी। तो ये झरोखा दर्शन जो है साथियों औरंगजेब ने नहीं शुरू किया था, औरंगजेब ने तो झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी, यानी वहां बालकनी में खड़े होकर जनता से बात करना, इस झरोखा दर्शन की प्रथा को तो बंद कर दिया था औरंगजेब ने, शुरू किया था ये अकबर ने, इसको याद रखिएगा, अकबर ने शुरू किया था। तो ये बात गलत हो गई औरंगजेब के संदर्भ में, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, उसने जजिया और तीर्थ यात्रा टैक्स बहाल कर दिया, तो यस, यानी औरंगजेब ने जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर बहाल कर दिया था। तो साथियों आप लोग जानते हैं औरंगजेब बहुत एक कट्टर टाइप का व्यक्ति था, उसने बहुत सी सारी चीजों पर प्रथा लगा दिया था, वो जो है
जो वहां पर नाच गाना होता था दरबार में उसको प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि मुसलमान जो मुहर्रम पर जश्न मनाते थे उन पर ही जो है प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं का एक प्रचलित त्योहार जो दशहरा होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसने बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया। एक तरह का इन सब का वो अल्लाह के खिलाफ मानता था। तो यहाँ पर केवल 20 सही है साथियों, हमारा एक गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 93 वाले में, देखते हैं क्या है। हम्पी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं आपको, इन्हीं से आपको बताना है कौन सा सही है हमारा। तो हम्पी के संदर्भ में दो कथन रहते हैं साथियों, इन्हीं दोनों में से कौन सा सही है यहां से आपको उत्तर को बताना है हमें। तो साथियों देखें, पहला कह रहा है कि यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो यह कावेरी नदी के तट पर स्थित नहीं है साथियों, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहां? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। दूसरा कह रहा है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यानी यह यूनेस्को में दर्ज है साथियों, 1986 में ही दर्ज हो गई थी। तो 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ये दर्ज है। तो ये भी दो वाला केवल सही है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखें 94 वाले में अगर हम देखते हैं क्या है इसमें साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर 94 में। विजयनगर वास्तुकला के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें अच्छे से उत्तर देना है। और पहला जब पढ़ेंगे तो मंदिर की पहचान बड़े राय गोपुरम के अस्तित्व से होती थी, यानी विजयनगर का जो वास्तुकला था, यानी उनका जो एक तरह का आर्किटेक्ट मतलब एक शैली होती थी, वह गोपुरम, गोपुरम मतलब जो गेट होता था, वह भारी भरकम गेट बनाते थे मंदिर पर। तो उसी जो मंदिर के सामने जो गेट बनता था उसी को गोपुरम कहा जाता है, ये द्रविड़ शैली में। तो बहुत भारी भरकम ये गोपुरम बनाते थे। तो ये बात तो 94 वाला का जो पहला है ये तो हमारी बात सही है। दूसरा कह रहा है जटिल नक्काशी वाले स्तंभ और कल्याण मंडलम मंदिर के दौरान भीतर स्थित होते थे, ये भी सही है। मंदिर स्तंभों के डिजाइन में हाथी जानवर पाया जाने वाला एक प्रचलित रूप था। यस, यानी मंदिर का स्तंभ जो बनाए जाते थे उस पर तमाम प्रकार के हाथी घोड़े इनका चित्र बनाया जाता था। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा ये वाला। आगे देखें हम लोग 95 में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान सर्राफ शब्द का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता था। सर्राफ यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान यह सर्राफ शब्द है यह किसके लिए ज्यादा था। तो साथियों देखने में ही लग रहा है, आप लोग को पता चल गया होगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो यह सर्राफ जो है एक तरह के साहूकार जो हम लोग कहते हैं वो उनके लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प नंबर ए हो गया। आगे देखें हम लोग 96 में, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो साथियों यह आप लोग पढ़े होंगे प्रतिपादन कौन सा, ये शंकराचार्य ने किसका किया हो रहा होगा साथियों, अद्वैतवाद लिखा है, अद्वैतवाद हो जाएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं। मध्वाचार्य जो है ये द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हो जाएंगे, रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतावाद से हो जाएंगे, वल्लभाचार्य जो है आपके पुष्टि मार्ग से हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया, विकल्प नंबर डी। 97 में साथियों देखें, 97 में क्या है, कह रहा है कि तीन कथन है, तीनों कथनों में से बताइए उपर्युक्त में से किसके विषय में बात कहा गया है, जो बातें लिखी गई हैं किसके विषय में लिखा गया है, तो इसको बताना है आपको। तो साथियों एक थेरु कुट्टू, ये जो थेरु कुट्टू है विकल्प नंबर बी में ये लिखा है, तो यह एक पारंपरिक नाट्य प्रदर्शनी है जो तमिलनाडु में व्यापक रूप से प्रचलित है। थेरु कुट्टू यह एक नुक्कड़ डांस कहा जाता है इसे, जो जगह जो तमिलनाडु में प्रचलित है, तरह का नाटक है यह, चौराहे पर नुक्कड़ पे यह दिखाया जाता है मनोरंजन के लिए। तो यह एक तो यह सही है इसके बारे में, थेरु कुट्टू के बारे में, इसके प्रदर्शनों के सूची में 8 नाटकों की एक श्रृंखला शामिल है जो द्रौपदी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यस, तो ये बात भी सही है। यह आमतौर पर भरपूर फसल का जश्न मनाने के लिए वार्षिक मंदिर उत्सवों में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो विकल्प नंबर ये हमारा बी हो जाएगा, थेरुकोटू के। ये तीनों बातें जो हैं
यह थेरुकुट्टू के संदर्भ में कही जा रही है। 97 का ए हो जाएगा हमारा, 97 का बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 98 में, तो 98 में साथियों जो बात कही जा रही है फण चित्रकारी से संबंधित है। ये फण चित्रकारी क्या होते हैं, एक तरह का फण का मतलब साथियों कपड़ा, ये पतला और लंबा जो इस टाइप का कपड़ा होता था, इस टाइप के कपड़े होते थे तो उन पर चित्रकारी किया जाता था। तो जो राजस्थान में जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना, जैसे नवरात्र आता है तो ये हम लोग कहते हैं करे माता रानी को चुनरी चढ़ाना है, तो ऐसे वहां पर एक कपड़े पर एक त्योहार होता है तो कपड़े पर चित्र बनाते हैं राजस्थान के आसपास के जो देहाती समुदाय के लोग हैं वहीं पर, तो वो जो है फिर भगवान के लिए सम्मान के लिए दी जाती थी। तो फण चित्रकारी के संदर्भ में ये जो बात कही जा रही है, पहला यह राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास रहने वाले देहाती समुदायों के लोक देवता के सम्मान के लिए जानी जाती है। यस, मैंने पहले ये बात बताया, ये कलाकृतियां पारंपरिक रूप से जोशी नामक जाति द्वारा बनाई जाती थी। यस, ये भी दोनों बातें सही है। तो 98 में सी हो जाएगा आपका उत्तर, 98 का सी, ये पेंटिंग है इस तरह की, कपड़े पर यहाँ पर पेंटिंग की जाती है। आगे देखें हम लोग 99, तो देखें यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है, कृष्ण देव राय के संदर्भ में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो अष्ट दिग्गज कौन थे कृष्ण देव राय के संदर्भ में साथियों, जब आपसे पूछे साथियों अष्ट प्रधान आपसे पूछे तो शिवाजी के मराठा से हो जाएगा, 8 मंत्रियों का समूह, लेकिन जब आपसे यहाँ अष्ट दिग्गज पूछे तो ये समझ जाइए कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का जो जमावड़ा होता था उसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये विकल्प नंबर आपके बी हो जाएगा, ये 8 तेलुगु कवि। बहुत अच्छा, 100 में क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में किस शासक ने चीन के पास, चीन सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। तो साथियों विकल्प नंबर बी हो जाएगा बुक्का, बुक्का ने अपना चीन के शासक के पास एक राजदूत भेजा था। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, बुक्का ने मुक्का मार चीन को मुक्का मारने के लिए भेजा रहा होगा, ऐसे सोचेंगे तो याद रहेगा आपके दिमाग में। आगे देखें 101 में क्या है, इसमें कराए साथियों सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर आप उत्तर दीजिए सही उत्तर। तो बारीद का प्रथम कर्तव्य शासकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होता था, तो यस बारीद का काम यही होता था। 101 में ये बातें बिल्कुल सही है, तो बारीद का काम यही होता था सल्तनत काल में कि शासकों के लिए खुफिया जानकारी, एक तरह से गुप्त उनके जो है जैसे आज होते हैं ना खुफिया एजेंसी जो काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो भी था उनका खुफिया एजेंसी। तो दीवान ए इंशा राज्य के लिए सभी प्रकार के पत्राचार चाहे औपचारिक हो या गोपनीय, ये संभालने की जिम्मेदारी होती, यानी पत्राचार संभालने की जो जिम्मेदारी होती थी वो कहीं लीक ना हो पाए, ये दीवान ए इंशा का काम होता था। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, दोनों के दोनों बातें सही हैं। ये देखिए क्या है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये 102 में, क्या कह रहे हैं, प्रशासनिक विभागों और इन विभागों को शुरू करने वाले शासकों का युग्म पर विचार करें, तो कौन सा जोड़ा सही है उसे आप बताइए जो है। तो देखें दीवान ए मुश्त खराज, दीवान ए मुश्त खराज नाम है साथियों, यह जो है अलाउद्दीन का एक राजस्व विभाग था, बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन ने ही, ये बात सही है। दूसरा क्या है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत ये किसने शुरू किया है साथियों, तो यह एक अलाउद्दीन ने ही शुरू किया था। रियासत क्या था, ये दीवान ए रियासत ये बाजार को नियंत्रण करने का एक तरह से प्रयास था, बाजार विभाग से संबंधित था, बाजार नियंत्रण विभाग था ये दीवान ए रियासत अलाउद्दीन के द्वारा। और तीसरा क्या था, दीवान ए अमीर कोही, यह एक कृषि विभाग था जो एमबीटी के द्वारा शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यानी तीनों बातें सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 103 में देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कुल्हड़दार लघु चित्र के संदर्भ में सही है। कुल्हड़दार लघु चित्र यहाँ पर एक दिया है ना, कुल्हड़दार लघु चित्र के संबंध में इन दोनों कथनों में से कौन से सही है वो बताइए आप। तो इनमें बिल्हान की और चोर पंचासिका या चोर के 50 छंद चित्रण है, तो यानी वो बिल्हान की चोर पंचासिका
इस पर जो है ए, तो साथियों ये चित्रकला से संबंधित 103 में हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, कौन सा या कौन से कुल्हड़दार, या जिसे जो है मतलब कुल्हड़दार लघु चित्र के संदर्भ में सही है। तो कुल्हड़दार लघु चित्र के संदर्भ में साथियों पहला जब पढ़ते हैं तो इनमें यानी कि इनमें कुल्हड़दार में बिल्हान की चौर पंचासिका, या जिसे हम लोग आम भाषा में चौर के 50 छंद का चित्रण है, यानी इनमें बिल्हान की चौर पंचासिका का चित्रण है, ये बात सही है। इन चित्रों की शैली पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी अपने ही देश में भारतीय शैली है, यह किसी विदेशी शैली की यह नहीं है, यानी कुल्हड़दार शैली जो है लघु चित्र है। यह दोनों बातें सही है यहाँ पर, तो हमारा यह हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। यह 16वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुई एक चित्रकला है। आगे देखते हैं हम लोग 4 में। यहां साथियों कह रहा है कि किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। साथियों खड़ी बोली, खुसरो, विकल्प नंबर ए। तो विकल्प नंबर एक अमीर खुसरो, ये कवि भी थे और मतलब ये बहुत ही भारतीय जो है इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है अमीर खुसरो का। तो हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। ये काव्य शैली जो है इन्होंने एक लिखा है सबके हिंदी, जिसके कारण इन्होंने, या जिसे आम भाषा में हिंदुस्तानी शैली के प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो इस प्रश्न का। 105 में देखते हैं हम लोग, तो इनमें तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें तीनों में से तीनों कथनों को पढ़िए और बताइए तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सही उत्तर दीजिए। तो देखें पहला आप जब पढ़ेंगे 105 का जो दिया है, पहला वाला जो आपको यहाँ कथन दिया है, पहला वाला कथन कह रहा है ढलान वाली दीवारें इमारत का निर्माण, यानी जो तुगलक वास्तुकला थी ये ढलान दीवार वाली जो है निर्माण करते थे, यानी जो इनकी वास्तुकला जो ये मतलब एक तरह की बिल्डिंग बनाते थे उनकी दीवारें जो है ढलान टाइप की होती थी, ये बात तो सही है। और ये कम खर्चीली वाले भी बनाते थे, यानी विभिन्न संरचना में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, तो नहीं साथियों लाल बलुआ पत्थर हो गया, संगमर हो गया, ये सब महंगे आते थे। तो मैंने बताया ना ये जो तुगलक लोग थे ये सस्ती वास्तुकला बनाते थे, यानी कम खर्चीली वाली, तो ये खर्चीली हो गई लाल बलुआ पत्थर, महंगी आती थी, तो ये नहीं होगा। इन भवनों के डिजाइन में न्यूनतम साज सज्जा किया जाता था, यानी साज सज्जा न्यूनतम होगा तो खर्च कम आएगा, तो ये भी बात सही है। तो 3 वाला भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो यानी 2 जहां होगा इलिमिनेट कर दीजिए उसे, आधा उत्तर आपको निकल आएगा। तो विकल्प नंबर 1 3 होगा, सी हो जाएगा आपका। 6वें में देखते हैं हम लोग साथियों, 6वें में क्या है, तराइन का युद्ध जो 91 से 92 में चला था, किनके किनके बीच, मोहम्मद गोरी और ये पृथ्वीराज चौहान। तो जो 1191 वाला जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो साथियों इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर जो 1192 में गौरी ने तैयारी करके अच्छे से आया, तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ इसमें वो जीत गया, तो इसी से जो है एक तरह के भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। तो पहला क्या कह रहा है, यह मोहम्मद बिन गोरी पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच हुआ था। मैंने पहले बताया मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये 2 युद्ध हुए थे, और इस युद्ध के परिणाम ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का योगदान दे दिया। यस, जब मोहम्मद गोरी जीत गया तो वहीं से तुर्की शासन की नींव पड़ गई भारत में। आगे देखें हम लोग, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है हमारा, सी वाला हो जाएगा उत्तर, तो हमारा हो जाएगा, अच्छा हो गया। 7 हम लोग देखते हैं क्या है, 107 में क्या है हमारा, 107 में साथियों क्या पूछ रहे हैं हमसे, गुरु का लंगर के नाम से प्रसिद्ध सामुदायिक रसोई। हम लोग जानते हैं लंगर एक चीज होता है, मतलब एक सामुदायिक जो खाना खिलाने का होता है सिख समुदाय में, तो यह एक तरह से सामुदायिक रसोई किसने शुरू किया है। तो साथियों यहां पर गुरु अंगद ने भी नहीं शुरू किया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी नहीं शुरू किया है, गुरु अर्जुन ने भी नहीं शुरू किया है,
तो कौन शुरू किया होगा? जब इन तीनों में से नहीं शुरू किए गए हैं तो विकल्प नंबर डी आप लोग लगा देंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसने लिया है? तो पहले सिख गुरु, साथियों सिख समुदाय के, सिख के संस्थापक पहले सिख गुरु, क्या नाम था उनका? गुरु नानक। गुरु नानक, तो एन मैं लिख दिया हूं शॉर्टकट में, आप समझ जाइएगा। गुरु नानक जो सिख के संस्थापक हैं, तो सिखों के पहले गुरु हैं, वही जो है ये गुरु का लंगर, यानी जिसे आम भाषा में मतलब एक इसका अर्थ होता है सामुदायिक रसोई। हालांकि लंगर जो है ये ज्यादा फेमस है। तो ये लंगर जो प्रथा शुरू किए थे ये गुरु नानक ने ही शुरू किया, तो यहां पर दिया नहीं था गुरु नानक, इसलिए डी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? गुरु नानक के संदर्भ में कुछ कथन दे दिया गया है, उन्हीं के संदर्भ में आप बताइए कौन सा सही है। तो साथियों ये कह रहा है उन्होंने निर्गुण भक्ति का एक रूप की वकालत की, यानी गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति के एक रूप की वकालत किया है उन्होंने, तो ये बात जो है सही है। गुरु नानक के संदर्भ में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कर्मकांडी प्रथाओं को खारिज किया है, यानी वो कर्मकांडी प्रथा का विरोध करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों में। और ये कह रहे हैं तीसरा वाले में बाबर और इब्राहिम लोधी के समकालीन थे, तो यस, तो ये बात सही है, यानी इब्राहिम लोधी की ही हत्या की थी, हराकर बाबर ने मुगल शासक की नींव रखी थी, तो यानी बाबर के समकालीन थे गुरु नानक, तो यानी वो इब्राहिम लोधी के भी समकालीन होंगे, तो तीनों सही है, यहाँ पर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कुछ चीजें दिमाग लगाने से आती है, कुछ चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हमें उससे जोड़कर दिमाग लगाकर सोचना पड़ता है। 109 में क्या है देखें, 109 में आपसे पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित नेताओं में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे, यानी भक्ति आंदोलन के संबंधित कुछ नेताओं के मतलब नाम दिया गया है जो भक्ति आंदोलन के मतलब से जुड़े हुए थे, और उनमें से कौन से थे जो इस्लाम से प्रभावित थे। तो साथियों विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित हैं, जो खास करके मूर्ति पूजा पूजा का बहुत विरोध करते थे। ये कहते थे कि भाई एक पत्थर को इतना पूजा जाता है, एक पत्थर पर इतना गंदगी फैलाया जाता है, तो दोनों तो पत्थर हैं, दोनों की पूजा होनी चाहिए। तो इस तरह से वो इस्लाम से जुड़े, इस्लाम के पक्ष में ज्यादा बात करते थे, हालांकि ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे नामदेव, जो महाराष्ट्र से संबंधित है ये। तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, ये कहाँ के थे? ये जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिए थे ये नामदेव। 10 में क्या है? 18वीं शताब्दी की मुगल राजनीति में निम्नलिखित में से किन्हें किंग मेकर कहा जाता था, यानी नृप निर्माता जिसे हिंदी में कहते हैं। 18वीं शताब्दी की राजनीति में किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो साथियों हमें मालूम है जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब 1707 में जब वो मर गया था, तो उसकी राजनीति में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, बहुत ज्यादा शासन प्रणाली बहुत चरमरा गई थी। तो उस समय उसी के दरबार में दो रहने वाले व्यक्ति जो है, एक हुसैन खान एक अब्दुल्ला खान, दोनों भाई थे, तो यही दोनों जो है किंग मेकर बन गए। आगे कुछ समय तक जिसको चाहा वही राजा बना, जैसे आप लोग जानते हैं ना, अभी इस तरह से जैसे मैं बात उदाहरण बता दूं, जैसे योगी इस समय किंग मेकर हैं, योगी अगर चाह जाएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो इसी तरह का, यानी योगी जी चाह रहे हैं तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस तरह का होता है कुछ चीजें। तो किंग मेकर हो गया, ये कौन? डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, हुसैन खान और अब्दुल्ला खान। 10 का हमारा उत्तर डी हो गया। आगे देखें हम लोग, ये क्या कर रहा है? किस युद्ध में हुमायूं को हराने के पश्चात शेर खान ने, जिसे शेरशाह कहा जाता था, यानी शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया, और हराने के बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण किया? तो साथियों यह हो जाएगा आपका, यह विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यह चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध साथियों कब हुआ था? ये 1539 में, 1539 में यह चौसा का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध हराने के बाद शेरशाह की जमीन तैयार हुई और शेरशाह गद्दी पर बैठा,
और ये जो है मतलब पहले इसका नाम शेर खान था। तो इसी युद्ध में जब वो हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में, तो अपना जो है टाइटल शेर शाह रख लिया। 12 में क्या है, राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध अकबर ने किस घराने से स्थापित किया था? तो साथियों कछवाहा, कछवाहा घराना से अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 12वें का बी हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग 13 में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ कथन दिया है, कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों ये बात गलत है, सही है, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर शहर स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 13 वाले में ये सही है। 14 वाले में रायचूर, दोआब, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच विवाद का अस्थायी केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का बीच का क्षेत्र था, यस, ये दोनों बातें सही है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा हमारा। 14 में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, यहाँ कह रहा है एक तरफ महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी भूमिका क्या होती थी वो दिया है, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसे आपको पकड़ना है। तो देखें यहाँ पर पेशवा, पेशवा क्या होता था, ये प्रधान सेनापति। तो साथियों ये बात गलत है, पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, प्रधान सेनापति को नहीं। तो ये बात गलत हो गया, ये पीएम को कहा जाता था, प्रधानमंत्री। तो जो मतलब जो मेन होता था राजा, उसके नीचे का जो पद होता था, पहला नीचे का पद, वो प्रधानमंत्री का होता था। तो ये वाला यही आपका सही है, क्योंकि यही गलत है, पेशवा प्रधानमंत्री से संबंधित है, प्रधान सेनापति से नहीं। तो ये बात आपका गलत हो गया यहाँ। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं, अब बाकी ये सब सही है अपनी जगह पे। दबीर विदेशी मामले देखता था, मजूमदार लेखा परीक्षक, पंडिता राव मुख्य न्यायाधीश, सब सही है, यही गलत था। 114 का सी ए हो जाएगा आपका। 15 में क्या है, वह एक तुर्की साहसी व्यक्ति था, यानी किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है, उस व्यक्ति का नाम इन चारों में है, ढूंढिएगा अभी। तो वह एक तुर्की साहसी व्यक्ति था जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक ब्राह्मण की सेवा में उभरा था, वह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो यह बात किसके संदर्भ में कही जा रही है साथियों, यह बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? तो ये BSS के बारे में, ये हसन, हसन बहमन शाह के बारे में कही जा रही है, हसन बहमन शाह के बारे में ये बात कही जा रही है। आगे देखें 16 में, 16 में साथियों क्या कह रहा है कि भारत में विशेषकर 1707 के बाद, यानी 1707 में ही औरंगजेब मरा और मुगल सेना उसी समय जो है डगमगा गई, तब से संभल नहीं पाई वो। तो इसके बाद रियासतों के स्वतःफूर्त उद्भव के बाद, यानी रियासतों के स्वतःफूर्त उद्भव का मतलब जब वो मरा तो मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तो कमजोरी का सामना उठाकर अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों पर लोग स्वतंत्र जो है स्वतंत्र क्षेत्रों का राजा घोषित कर लेते थे, यानी स्वतंत्र राज्य बना लेते थे उस समय। तो वही बात कर रहा है, इसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है, यानी जो छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो गया 1700 के बाद से, छोटी छोटी रियासतों का उद्भव हो गया, तो उसके जिम्मेदारी में कौन सा नहीं है? तो साथियों पहला कारण तो ये है, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, जो मुगल साम्राज्य का कमजोर होना, ये बात सही है। औरंगजेब के दरबार में कमजोर मुगल नेतृत्व आए, ये भी बात सही है, लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा कारण नहीं है। व्यवस्था के भीतर गुटबाजी जिससे राजनीतिक स्थिरता का अभाव, ये भी सही है। तो ये तीन सही हैं, तो यही सही नहीं होगा क्योंकि यूरोपी से इसका लेना देना नहीं था। तो यही वाला गलत है, मतलब गलत हमसे पूछा है तो यही गलत है, डी वाला। 17 में हमें बताना है क्या है, 17 में तो देखें हमें 17 वाले में क्या बताना है। यहाँ पर कह रहा है चार ये लोगों के नाम दिया है संतों का, तो चार व्यक्तियों का नाम है, तो उनके किसके लिए है ये पहले पढ़े तब मालूम पड़ेगा। उनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थी, उन्होंने नाम कीर्तन, पवित्र भक्तों की संभावनाओं में भगवान के नामों का पाठ करने की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण के लिए सत्रों या मठों
और नाम घर का या प्रार्थना कक्षों की स्थापना को प्रोत्साहन किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। तो ये सब बातें किसके संदर्भ में कही जा रही है साथियों? तो ये कह रहे हैं शंकर देव के संदर्भ में। तो 15वीं शताब्दी के अंत में जो है शंकर देव असम में वैष्णववाद के समर्थक रूप में उभरे थे, असम से संबंधित थे। आगे देखें 18 में क्या है इसमें। जैन भिक्षु महेंद्र सूरी को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। तो ये बातें जो है साथियों आपकी जो है ये सही है। जैन भिक्षु ये महेंद्र सूरी ये जैन भिक्षु था जिसको फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सीधी सहायता देकर अधिक भूमि की खेती के लिए अधीन लाने के लिए दीवान ए कोही नामक यानी कृषि विभाग का स्थापना किया था। ये बात मैं आपसे बताया था, दीवान ए कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तो ये दोनों बातें सही है, सी हो जाएगा, 18 का सी हो गया उत्तर। 19 में क्या है, इल्तुमिश के संदर्भ में कुछ कथन दिया है। तो इल्तुमिश के संदर्भ में कुछ कथन, कुछ दोनों कथन है, इनको पढ़ लीजिए और पढ़कर सही उत्तर दीजिए। पहला क्या है, उसने साम्राज्य को इकता में विभाजित किया, यानी इल्तुमिश ने इकता प्रथा यानी पूरे साम्राज्य को इकता में विभाजित कर दिया था, तो ये बात सही है। दूसरा क्या है, उसने उत्तरी भारत में एक नई द्विधातु सिक्का प्रणाली जिसमें एक टंका और एक जीतल थे ये शुरू किया था, यानी जो नई दो धातुओं वाली सिक्का शुरू किया था जिसमें एक टंका और एक जीतल था ये शुरू किया था, किसने शुरू किया था, यही इल्तुमिश ने। तो ये दोनों बातें सही हैं, 119 के संदर्भ में ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 20 वाले में क्या कहा जा रहा है। जप्ती और दहसाला प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जप्ती और दहसाला प्रणाली के संदर्भ में साथियों ये पहला कथन क्या कह रहा है, जप्ती व्यवस्था को टोडरमल की बंदोबस्त के नाम से जानी जाती थी, यस सही है। दूसरा, दहसाला प्रणाली जप्ती प्रणाली के आगे का विकास था, यानी ये दहसाला प्रणाली जो थी उसके आगे की ये जप्ती प्रणाली थी। तो ये दहसाला प्रणाली होती क्या थी साथियों, एक तरह का जो है जो उपज होती थी जो है मतलब फसलों के उपज के आधार पर मूल्य तैयार करना, ये दहसाला प्रणाली थी और उसी के आगे की जो प्रणाली है वो जप्ती थी। आगे देखते हैं हम लोग, ये दो हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 120 का सी। 21 में क्या कह रहे हैं, देखें 21 वाला प्रश्न में कह रहा है, मध्यकालीन इतिहास के त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? त्रिपक्षीय संघर्ष मध्यकालीन इतिहास में साथियों बहुत फेमस रहा है, कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी गई, पाल वंश, प्रतिहार वंश और साथियों उसके बीच एक और कौन थे, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी पीपीआर के बीच लड़ा गया था, तो ये बात सही है। और ये शक्तियां उत्तर भारत में गंगा क्षेत्र के कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लगातार एक दूसरे से लड़ रही थी, ये बात मैंने पहले बताया, ये कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ रही थी ये तीनों आपस में। तो यहां पर दोनों सही हैं, 21 का सी हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 22 में, बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों बाबर के संदर्भ में कौन सा संदर्भ नहीं है, तो देखो उन्होंने अपना जीवनी लिखा था तुर्की भाषा में, ये सबको मालूम है, ये बात सही है, लेकिन हमको गलत बताना है। बी वाले में उसने भीरा यानी झेलम नदी के तट पर किले पर कब्जा करके पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था, बाबर ने ही, यस ये भी सही है, ये बात सही है दोनों। तीसरा क्या है, वह एकमात्र मुगल सम्राट है जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी है, तो ये बात साथियों गलत हो जाती है, यही आपका उत्तर होगा, सी ही उत्तर हो जाएगा। और डी वाली भी बात सही है, क्योंकि जो सही है उसे हमें नहीं बताना है, जो गलत है उसे बताना है, तो यही सी वाला गलत है और डी वाला भी सही है, यानी उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। तो पानी का युद्ध 1526 में हुआ और इसके एक साल बाद पानी के बाद खाना आता है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसको जानते रहिए आप लोग, डेट पूछा जाता है। तो यहाँ ये क्यों गलत है, मुगल सम्राट एकमात्र ऐसा सम्राट नहीं है जो अपनी जीवनी लिखा है, तो अपनी जीवनी बाबर ने खुद ने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, तो
अपनी जीवनी और लिखने वाला एक शासक और है साथियों, उस शासक का नाम है साथियों जहांगीर। जहांगीर भी अपनी जीवनी स्वयं लिखा है, तो इसको याद रखिएगा, सिर्फ मुगल सम्राट बाबर ने नहीं बल्कि जहांगीर ने भी लिखा है। आगे चले देखते हैं हम लोग, देखे हैं 23 में क्या कह रहा है। संगीत के विरुद्ध औरंगजेब की प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोगों को मालूम है औरंगजेब जो है संगीत विरोधी था, बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया, नाच गाना संगीत विरोध ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया, कह रहा था कि ये सब अल्लाह के खिलाफ है। तो यहाँ कह रहा है ना कि औरंगजेब की प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों संगीत इस्लाम के अनुकूल माना, साथियों अनुकूल कहाँ माना, वो तो इस्लाम के खिलाफ मानता था संगीत को, तो यही आपका सही हो जाएगा। पहले ही उत्तर मिल गया, यही सही है, बाकी ये तीनों मतलब ये गलत है, गलत पूछा ना, क्योंकि यह इस्लाम के प्रतिकूल मानता था, अनुकूल नहीं, तो ये गलत हो गया। और इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, ये सही है इस औरंगजेब के संदर्भ में। आगे देखते हैं हम लोग 24 में, तो देखें 24 वाले में साथियों क्या पूछा जा रहा है हमसे। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में साथियों जो है दो कथन दिया है, पढ़कर सही उत्तर दीजिए। फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया भुगतान देने से इनकार कर दिया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया को मतलब भुगतान करने के छूट नहीं दिया था। तो ये बात साथियों 124 में ये हमारी जो है सही है, ये पहला वाला सही है, मतलब उनको मतलब जो ब्राह्मण थे उनको छूट नहीं दिया जजिया कर से, उनको जजिया कर ब्राह्मणों से लिया, लेकिन इतना थोड़ा सा मानवता दिखाया, जो विकलांग थे महिला थे गरीब थी उनसे नहीं लिया, तो इतना किया था। दूसरा वाला क्या करा है, उन्होंने हिंदू धार्मिक कार्यों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने का कदम उठाया था। यस, तो ये दोनों बातें सही हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का जो है वो फारसी में अनुवाद भी कराया, तो सी हो जाएगा उत्तर। 25 में क्या है, सूफीवाद में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये विचार करना है हमें, और विचार करके हमें एक सही उत्तर देना है यहाँ पर, तो इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है सूफीवाद की जियारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर साथियों जियारत का मतलब होता है पवित्र यात्रा, सूफीवाद में जो जियारत लिखा है इसका मतलब होता है पवित्र यात्रा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सूफी संत में पुण्य तिथि पर उनकी दरगाह पर, यह सूफी संत की पुण्य तिथि पर उनकी दरगाह पर तीर्थ यात्रा करने की प्रथा को संदर्भित करता है। पहले मैंने बताया जियारत मतलब पुण्य तीर्थ यात्रा होती है, सही बात है ये। यह प्रथा भारत में मुगल शासन में शुरुआत हुई, तो नहीं, ये बात गलत हो गई, इस प्रथा का कव्वाली के विकास में सीधा संबंध है, ये बात सही है। यानी एक और तीन सही है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, यही सही है आपका। तो आगे चले हम लोग 26 में, तो ये तीनों का हम लोग देखें, ये तीन आप जो कथन है इसका आप लोग पहले पढ़ेंगे इसको, और इस पढ़कर जो है ये सही उत्तर देंगे आप, यहाँ पर कौन सा मतलब ये जो चारों में से किससे संबंधित है। तो साथियों ये किससे संबंधित है जब पढ़ेंगे तब ना, तो हमें सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने दोआब क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने के लिए अमीर एक को ही जो एक कृषि विभाग था उसकी स्थापना किया था, तो आप लोग को अंदाजा लग रहा होगा, मैंने दो बार बता चुका, अमीर एक को ही एक कृषि विभाग था जो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, तो ये डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भक्ति संत रामानंद के बारे में कुछ कथन दिया है, कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो क्या है, उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की पूजा को प्रतिस्थापित किया, तो ये बात सही है, विष्णु के स्थान पर राम की पूजा उन्होंने किया, और ये कबीर की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। तो साथियों ये आपका गलत हो जाएगा, वो कबीर तो मतलब रामानंद के, रामानंद तो कबीर से गुरु थे, तो उनकी रचनाओं से कैसे प्रभावित हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग याद रखिए
ये जो मतलब 27वें में रामानंद के शिष्य तो कबीर थे, तो वो उनसे प्रभावित नहीं थे। तो ये चीज आपका ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही होगा, 27 का ए। 28वें में क्या है, मुगल काल के संदर्भ में खुदाश्त, जिसका मतलब होता है किसी का एक वर्ग, के बारे में कौन सा सही है। तो उन्होंने भू राजस्व देने से छूट की, मुगल काल के संदर्भ में ये बात कह रहा है, तो उन्हें भू राजस्व देने से छूट दी गई। तो किन्हें, यानी खुदाश्म से, यानी किसी का एक वर्ग है, तो छूट दिया गया था, ये बात सही है। 28 का ये बात सही है, पहले वाले में मुजेरिन द्वारा अक्सर उनका शोषण किया जाता था। तो ये खुदाश्त साथियों एक तरह का जो है, एक विशेष लोगों को एक वर्ग हो, एक खुदाश्त मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक ही जगह पर एक ही जाति के लोगों का बहुत ज्यादा इकट्ठा में रहना, तो उन्हें खुदाश्त कहा जाता था। जब एक ही जाति के लोग एक ही क्षेत्र में बड़े स्तर पर रहते हैं तो उनका प्रभुत्व हो जाता है, अन्य जातियां वह दबाव महसूस करती हैं। चाहे आप आज भी ये प्रासंगिक है, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो मुजेरिन द्वारा उनका अक्सर शोषण किया जाता था, ये बात भी सही है। तो दोनों सही है, सी हो जाएगा उत्तर आपका। तो 29 में कह रहा है कि वर्ष 1773 में निर्मित ज्योतिष के सिद्धांत के संबंधित पुस्तक जीज मोहम्मद शाही के संदर्भ में लिखी गई थी। तो ये साथियों जयपुर के स्वाई जयसिंह के बारे में बात कर रहा है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 130 में कौन इलाहाबाद के स्वतंत्र साम्राज्य के संस्थापक था, कौन, सॉरी सॉरी हैदराबाद के, मैं गलती कर दिया, हैदराबाद के स्वतंत्र साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो साथियों यह चिन किलीज खान, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा। तो जिसके जो है निजामुल कहा जाता था, 1724 में हैदराबाद की स्वतंत्र की स्थापना किया था इन्होंने। तो आगे देखते हैं हम लोग 31 में। तो 31 में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो पढ़िए और सही है तो उत्तर दीजिए उसका। तो रोहिलखंड साम्राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे वाले क्षेत्र से हुआ था, तो ये बात सही है। दूसरा वाला मैसूर साम्राज्य का उदय विजयनगर साम्राज्य से हुआ था, तो ये भी बात सही है। मैसूर वो जो हैदर अली वाला की बात कर रहा है, वो विजयनगर साम्राज्य से ही हुआ है। तो यह 31 का हमारा जो उत्तर है वह जो है यह बी केवल हो जाएगा साथियों, ये केवल यहाँ बी होगा। ये रोहिलखंड साम्राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी वाले कब्जे क्षेत्रों से नहीं हुआ था, ये बात गलत है। तो ये उत्तर आपका केवल बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 32 कौन सा होने वाला है, 32 होगा ना। हाँ तो देखें, बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा सही नहीं है साथियों, ये आपको बताना है 32 वाले में। तो वह बिना साम्राज्य वाला सम्राट था, ये बात सही है। बहादुर शाह जफर के बारे में वह बिना साम्राज्य वाला सम्राट था, उसे कहा जाता है इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उनके शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्कनी उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन थे, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पेंशन के तौर पर 10 लाख रुपए से भी कम मिलते थे। तो साथियों 10 लाख से अधिक मिलते थे, कम नहीं, तो ये बात सही है। उनकी संपत्ति जो थी, संपत्ति पर ही 10 लाख से ज्यादा मिलता था, तो ये बात सही है, डी वाला हो जाएगा। मुगल सम्राट जहां दारा शाह के शासनकाल शीघ्र समाप्त होने के क्या कारण थे। तो मुगल सम्राट जो जहां दारा शाह जो एक बार बना था, तो उसका शासनकाल बहुत कम समय रहा, क्यों रहा, उसका रीजन आपको बताना है क्यों ऐसा हुआ था। तो साथियों वह अपने एक युद्ध में अपने भतीजे से ही हार गया, यानी उसका भतीजा ही उसके पैर में कुल्हाड़ी मार दिया था। तो ये सी हो जाएगा इसका उत्तर। 34 में क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो साथियों यही फर्रुख सियार, एक अंग्रेज डॉक्टर आया था, इनका इलाज कर दिया था खुशी होकर, जो है ये हैमिल्टन था ना, तो हैमिल्टन, तो
मतलब उन रोग से छुटकारा पा गए, तो खुशी में वही जो है उसको अंग्रेजों को जो है बिना शुल्क मुक्त यानी बिना शुल्क व्यापार करने का सुविधा दे दिए। फर्रुखसिया मुगल सम्राट थे ये, औरंगजेब के बाद ये सब आए थे, बहुत कमजोर शासक थे। निम्नलिखित में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? तो साथियों चार नाम है, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद या गुरु अर्जुन। तो साथियों गुरु अर्जुन विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी। तो देखें 36 में, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला, तो हमें मालूम है हमारे जो है ग्रंथों में कुल 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, तो इन पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों यह अल बिरूनी, ए बी विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अल बिरूनी याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 37 में, सिंधु नदी के तट पर मंगोलों को पहली बार दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल में देखा गया था? तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में देखा गया था, किसके शासनकाल में देखा गया था ये आपसे पूछ रहा है। सिंधु नदी के तट पर मंगोलों को पहली बार किसके शासनकाल में देखा गया? तो साथियों यह इल्तुतमिश के शासनकाल में देखा गया था, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वह महिला कवित्री, जिसे पुरुष को कवि कहा जाता है तो महिला को कवित्री कहा जाता है, तो वह महिला कवित्री जिसने अपनी रचना मधुरा विजयम में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया है, तो गंगा देवी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 38, 39 में हम लोग देखें क्या है, तो 39 में क्या है साथियों, नांदेड़ को किस सिख गुरु की समाधि होने का कारण पवित्र स्थान माना जाता है? नांदेड़, नांदेड़ को किस सिख गुरु की जो है वहां समाधि है? तो साथियों मालूम है आपको, जो सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम और 10वें गुरु, जिसे जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, तो ये सिखों के ये 10वें गुरु हैं। ये जो है इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, ये जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। ये नांदेड़ कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, तो यही जो है इनकी समाधि है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। 40 क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने शेरशाह को सूरी वंश की स्थापना करने में मदद की है? ये बात मैंने अभी आपको बताया था, उसी युद्ध के जीतकर शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया और जो है शासन किया, और उसने जो है शेरशाह की मतलब वो सूरी वंश की स्थापना में योगदान दिया, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, चौसा का युद्ध 1539 में। आगे देखें हम लोग 41 में, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? तो मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था, यानी पुर्तगालियों को दे दिया था, किस मध्यकालीन शासक ने? तो साथियों इन ये थे एक आपके मतलब बहादुर शाह, ये विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, बहादुर शाह। आगे देखते हैं हम लोग 42 में, तो साथियों यहाँ पर क्रम बताना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों का काल बताना है। तो यह जो है लोदी वंश से संबंधित है साथियों, तो लोदी वंश का जो क्रम है 3 BSE याद रखिएगा, ये बी से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से जीतकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखा था, तो कहाँ है BSE, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो ये है। तो आगे देखें हम लोग 43 में, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनवाया गया था? तो शाहजहां शासनकाल के दौरान क्या नहीं बनवाया गया है वही बताइए, 3 बनवाया गया है, 1 नहीं बनवाया गया है, उसी को बताना है हमें। तो किला, एक कुहाना मस्जिद, यही नहीं बनवाया गया, जबकि मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल, ये सब शाहजहां ने ही बनवाया है, तो जबकि यहां हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं बनवाया गया, तो किला, एक कुहाना मस्जिद नहीं बनवाया गया है, यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है।
शेरशाह के द्वारा। आगे देखें 44 में, मुगल सम्राट ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। साथियों बच्चों वाला प्रश्न है ये, जहांगीर ने विकल्प नंबर ए 44 का ए, 1613 में जहांगीर ने जो है अंग्रेजों को कारखाना लगाने की अनुमति दे दिया था, कहाँ लगाए थे वो, सूरत में। 45, देखें 45 में क्या कह रहे हैं, मध्यकालीन युग में निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई के लिए दो नहरों का निर्माण करवाया और सतलज यमुना से निकली गई जो निकाली गई थी ताकि हिसार तक पानी ले जाया जा सके। तो साथियों फिरोज शाह तुगलक नहरों के क्षेत्र में बहुत काम किया था, नहरों के क्षेत्र के लिए काम करने के लिए इसे एक अलग रूप में जाना जाता है। आगे देखें 46, निम्नलिखित में से किसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के चलाए। साथ में अभी आया था इल्तुमिश, इल्तुमिश ने ये जो टंका नाम का सिक्का चलाया था जो चांदी का था, और तांबे एक नाम ये जो एक जीतल नाम का सिक्का चलाया था जो तांबे का था। तो इसको याद रखिएगा, इल्तुमिश ने, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 46 का बी। तो यहाँ लिखा है 47 में, किस निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दिल्ली सल्तनत की अनूठी संचार व्यवस्था या डाक व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो 147वें का जो उत्तर होगा साथियों हमारा, किसने डाक व्यवस्था या संचार के बारे में जानकारी दी है, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यह MBT के शासनकाल में आया था। आगे देखें ये क्या है, मध्ययुगीन भारत में, मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली जो है साथियों, यह बंदोबस्त प्रणाली और दहशाला प्रणाली, और दहशाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यह बंदोबस्त प्रणाली, दहशाला प्रणाली एक भू राजस्व प्रणाली थी जो कौन से शुरू किया गया था साथियों, ये शुरू किया गया था, ये तो अकबर और औरंगजेब ये तो नहीं हो सकता, अकबर और टोडरमल है, विकल्प नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग 49 में, सल्तनत के काल के संदर्भ में शासक और पूर्ववर्ती में से कौन सा संयोजक नहीं है। तो साथियों एक तरह का शासक दिया है और उसके सामने उसके पूर्ववर्ती का नाम है, तो कौन सा सही है उसे को बताना है हमें। तो साथियों यही पहला वाला ही सही है, आप लोग पद्मावत फिल्म देखे होंगे जो बहुत विरोध हुआ था आई थी, उसमें भी यही दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर सत्ता हथियाई थी, यानी जलालुद्दीन के पहले जो है ये अलाउद्दीन के पहले या जलालुद्दीन थे इसके चाचा, उसके बाद ये अलाउद्दीन आया। तो साथियों ये बलबन पहले, ये तो यहाँ पर इल्तुमिश पहले था, बलबन बाद में आया, तो ये गलत हो गया। नहीं, पहले हमें उल्टा दे दिया, थोड़ा समझने का फेर है, यानी राइट साइड वाला इधर वाला जो है ये पहले होना चाहिए, और यानी इधर से इधर होना चाहिए, और इसमें तो इधर से इधर हो गया है, इसमें भी उल्टा पुल्टा हो गया, तो यही सही है। देखें 50 में क्या लिखा है, सिंपल सा सवाल लास्ट में है, जौनपुर का अटाला मस्जिद, जहांगीरी झंझरी मस्जिद किस वंश के शासकों से निर्मित किया गया है। तो साथियों यह जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है, और एक जहांगीरी जिसे झंझरी मस्जिद कहा जाता है, यह शर्की वंश से संबंधित है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो साथियों यहाँ पर हमने 150 प्रश्नों की आज ये अपनी टेस्ट सीरीज हमने पूरा कर लिया, ये इसके बाद हम लोग ये मॉडर्न इंडिया का जो है ये सवाल लेकर आएंगे, भारतीय आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।